दुर्ग विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई के संबंध में कहा कि उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। श्री चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूपेश बघेल धान में 4-5 हजार करोड़ रुपए देते थे, वो भी 4-4 किश्तों में किसानों को तरसा तरसा कर देते थे। इस बार हमारी सरकार ने एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपए की राशि 970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दे दी है। उन्होंने आगे कहा कि पहले कांग्रेस को भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए, शराब माफियागिरी करके कच्चा पक्का करने 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला उन्होंने कैसे किया है। भूपेश बघेल जी धान में 4-5 हजार करोड़ रुपया देते थे और उसको 4 किस्त में तरसा तरसा के देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस बार एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपए की राशि 970 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दी गई है। महतारी बंधन के बारे में बोलना चाहूंगा। 2018 के जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था प्रति माह 500 रुपए था, साल का 6,000 रुपया वो लोग देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने 5 रुपया तक किसी माता बहन को नहीं दिया। आज हम 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को हम प्रति महिला जो पात्र है उनका 1,000 रुपए, अगर वो सही है तो और बड़ी जाँच के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। कोई भी कोर्ट में प्रक्रिया होती है, कोई मोदी जी के कोर्ट का कोई कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट होता है न्यायपालिका का। अगर ईडी उनको गिरफ्तार की तो साक्षियों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करती है। 9-9 बार उनको समन किया गया, वो नहीं गए। 10वें बार समन करके उनको एविडेंस के साथ साक्ष्यों के साथ ले जाया गया है और उन पे जो भी निर्णय लेगी वो न्यायपालिका लेगी और वो साक्ष्यों पर आधारित होगा, उस पर किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होगा। कांग्रेस पूरी तरह से एक डूबती नाव है, उस पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है, वो एक लुप्त प्राय समाप्त प्राय स्थिति में पहुंच गई है। पिछले 2 चुनाव से बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष का भी वो दर्जा हासिल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको कुछ भी वो बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा की गारंटी, मोदी जी की गारंटी को ही छत्तीसगढ़ की और देश की जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन पर कितने तरह के केस लगाए गए, कितने तरह से सेंट्रल एजेंसियों ने उन पर जांच की, पूछताछ की। एक दिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आकर प्रदर्शन नहीं की, उन्होंने लीगल मैटर को लीगल तरीके से फेस किया और माननीय न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बेदाग साबित हुए। अगर केजरीवाल जी के चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, इनको पता है इन्होंने गड़बड़ी की है, इसलिए दुनिया भर का हल्ला कर रहे हैं। मोदी जी का स्पष्ट सिद्धांत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वे चौकीदार के रूप में देश में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितना कर्ज हमने पिछले 3 महीने में लिया है उससे डेढ़ गुना से भी अधिक राशि केवल किसानों महिलाओं के लिए खर्च किया है। तो हम जितना कर्ज ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हम प्रदान कर रहे हैं। हम योजनाओं को भी लागू करेंगे, वित्तीय व्यवस्था को भी कांग्रेस से कई गुना बेहतर करके दिखाएंगे। अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ कंगाल छोड़ दिया था, इसलिए शुरुआती फेज में पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में मोदी जी की लहर ही नहीं सुनामी चल। पहले कांग्रेस को भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए कि शराब के माफियागिरी करके कच्चा पक्का करके 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला उन्होंने कैसे किया। महादेव ऐप के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए की उगाही करके छत्तीसगढ़ युवाओं के भविष्य को क्यों खराब किया गया, चाहे गोठान हो, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे पीएससी हो, चाहे भर्ती हो, सब जगह माफिया राज क्यों स्थापित किया, ये उन्हें स्थापित पहले छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी भाजपा से ज्यादा राशि तो विपक्ष के लोगों को 400 पार, छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कमल के पुष्प के रूप में आशीर्वाद के रूप में नरेंद्र मोदी जी को अर्पित कर। न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है, साक्ष्यों के आधार पर होता है, एक वैधानिक प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी जो वैधानिक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मोदी जी का स्पष्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके तहत जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर होगी। प्रेस को पता है कि वो बड़ी मुश्किल से दहाई का आंकड़ा पार करते हैं और 50 के आंकड़े को भी ठीक से पार नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से नेता प्रतिपक्ष की के लोकसभा में भूमिका को भी 10% जो सीट चाहिए वो भी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो कुछ भी बोल देंगे, उनको पता है कि वो सत्ता